आज की डेट में हम लोग प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे, किस तरीके से जो हमारा इतिहास है, पुराना इतिहास है, प्री हिस्ट्री है, उसको, उसके डिवीज़न को, उसके बाद में धीरे धीरे एक एक पार्ट को हम लोग समझना चालू करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूरा पाषाण काल जिसको पैलियोलिथिक कहा जाता है, मध्य पाषाण काल मीज़ोलिथिक कहा जाता है, नवपाषाण काल नियोलिथिक कहा जाता है, इन सब की जो काल विभाजन है 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, तो पहले वाले पैलियोलिथिक को ही तीन भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो एक एक करके हम लोग चीजों को देखेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे, फिर उसके बाद में मध्य पाषाण काल मेजोलिथिक को देखेंगे, फिर नव पाषाण काल नियोलिथिक को अच्छी तरीके से देखेंगे। इन सब का विभाजन जो है दोस्तों, ये आपका देखिए मेजोलिथिक का जो विभाजन है वो आपका 8 से 4,000 ईसा पूर्व है, और नवपाषाण का 9,000 से, इसको कभी कभी कई बुकों में 10,000 भी दिया हुआ है, तो ये 10,000 से 1,000 ईसा पूर्व दिया हुआ है चीज़ें। अब देखिए, जो पहले वाला डिवीज़न था जो आपका पूरा पाषाण काल है, तो इसी को तीन पार्ट में बांट दिया गया है, पूरा पाषाण काल और 25 से 9 लाख ईसा पूर्व, मध्य पूरा पाषाण काल 9 लाख से 40,000 ईसा पूर्व, और उच्च पूरा पाषाण काल इसको 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में विभाजन किया गया है। अब देखिए, भारत में मानव विकास के अद्यतन साक्ष्य जो हैं शिवालिक पहाड़ियों से अधिन्यूतन युगीन निक्षेपों के माध्यम से मिले हैं, इसी को हम लोग रामापिथेकस की संज्ञा के माध्यम से कहा जाता है चीज़ों को। इसके साथ में क्या है कि जैसे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में आदि मानव के जीवाश्म नहीं मिले हैं, तो ये बातें कही जाती हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ, अब पहला पार्ट जो पूरा पाषाण काल है ये वाला, ठीक है, पूरा पाषाण काल, इस वाले पोर्शन को हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ से चीजें, यहाँ पर कई घाटियां, जैसे मनुष्य का उद्भव जब होता है, मानव का विकास हुआ है, तो अलग अलग जगहों पर, जैसे भारत में ही, भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग घाटियों में लोग रहते थे, लोगों की अलग अलग कार्य क्रियाकलाप थे, अलग अलग संस्कृति थी, अलग अलग सभ्यताएं थी, तो इस तरीके से लोग रहते थे कि जैसे कश्मीर घाटी जो है आपका, तो जैसे जो पूरा पाषाण की चीजें हैं, तो यहाँ पर पत्थर, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो पत्थर से संबंधित चीजें हमें मिले हैं कि कोई खुरचनी हो गई, बेदनी हो गई, तक्षणी हो गई, तो ये सारे के सारे आइटम, और ये पत्थर को काट कर, मतलब कहने का मतलब है चापर, चापिंग संस्कृति इसको कहा जाता है, या पेबुल संस्कृति भी कहा जाता है, इसी के तहत अन्य क्षेत्र भी हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों से चीजें हमें प्राप्त हुई हैं। अभी देखिए थोड़ा सा पिक्चर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इसी में ही पीडीएफ में ही मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड की हैं, ठीक है। तो कश्मीर घाटी से ध्यान रखिएगा, ये आपका कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी से क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, एक गांव है पहलगांव, तो पहलगांव से एक कुल्हाड़ी की प्राप्ति हुई है। सोहन घाटी जो आपका पंजाब वाला क्षेत्र है, तो सोहन घाटी पंजाब और पाकिस्तान से लगी हुई सीमा पर आपकी सोहन घाटी पाई जाती थी, ठीक है। और क्या है, सोहन घाटी को ही क्या कहा जाता है, जैसे ये सोहन घाटी जो है चापर चापिंग जो सभ्यता है, या जो पेबुल संस्कृति है, उसके अंतर्गत चीज़ें ये आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पत्थरों की आकृति जो थी गोल मटोल थी, ठीक है, चापर आकार के थी, ये कुछ विशेषताएं हैं सोहन घाटी में जो चीज़ें हमें मिली हैं उनके आधार पर चीज़ें हम देख रहे हैं, ठीक है। जैसे दोहरी धार वाला, जैसे ऐसे कोई पॉइंट होता है, पत्थर है कोई, अब इधर भी धार आ गई, इधर भी धार आ गई, ठीक है। तो बहुत सारे औजार हमें प्राप्त हुए हैं अलग अलग जगहों से, ठीक है। मैप के माध्यम से अगर एक साथ चीजें अगर आप देखेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, बेहतर तरीके से चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। एक बार कीजिए कार्य को, अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, ये आपकी इच्छा है। देखिए, नोट्स लेना है नहीं लेना ये आपकी इच्छा है, ठीक है। सारी की सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसको कहीं पे मैप पे आप भी नोट डाउन कर लीजिए, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से आप लिखते रहिए, कम से कम एक लिखने की भी हैबिट बनेगी अगर आप लिखेंगे तो, ठीक है। अब देखिए, पूरा पाषाण काल की जैसे एक कुछ राजस्थान से कुछ बस्तियां प्राप्त हुई, जैसे अलग अलग जगहों पर हमें चीजें उत्खनन में पूरा जब उत्खनन कार्य किया जाता है, अन्वेषण किया जाता है, तो उसमें हमें कई चीजें प्राप्त हुई हैं।
अब राजस्थान से पूरा पाषाण युगीन बस्तियां हमें प्राप्त होती हैं। गुजरात से हमें क्या खुरचनी, जैसे पत्थर का, जैसे मिट्टी खोदनी है, जैसे पत्थर का आकार लोगों ने क्या किया कि भाई पत्थर तो थे ही, चट्टाने तो थे ही, उनको तोड़ा, तोड़ने के बाद हल्का सा, जैसे पॉइंट नहीं होता, जैसे कोई पत्थर है ये, अब इसका पॉइंट हल्का सा नुकीला कर दिया जाए तो जिससे क्या होगा कि खुरचनी, मतलब खुरचने में काम आने लगा लोगों को, ठीक है। काटने के औजार बनाने लगे कि भाई किसी भी तरीके से, जैसे पत्थर है, पत्थर को शेप देना चालू कर दिए, ठीक है, कि जैसे धार, अगल बगल धार कर दी गई है, एक साइड में धार कर दी गई, नुकीली धार कर दी गई, तो इस तरीके से चीजें लोगों ने बनाई। इसी को जैसे गुजरात से क्या हमें प्राप्त हुई, खुरचनी और काटने के औजार प्राप्त हुए। एक पोतवार बेसिन है, पोतवार बेसिन जो है आपका दोस्तों देखिए दक्षिण पंजाब और पाकिस्तान में आपका पाया जाता है पोतवार बेसिन। यहां से भी हमें क्या प्राप्त हुआ है, काटने के औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हैंड हैक्स संस्कृति भी कहा जाता है कि जैसे देखिए इसके अंतर्गत जो चीजें आती हैं कि जो हाथों से जो निर्मित जो व्यक्ति हैं लोगों ने बनाए हैं, पत्थरों का निर्माण किया है और ऐसा शेप दिया है चीजों को, जैसे कहीं कहीं पर हड्डियों के भी उपकरण हमें प्राप्त होते हैं कि काटने में या खोदने में काम आते हैं वो। मध्य प्रदेश में जैसे नर्मदा घाटी है, ठीक है, एमपी में क्या है, नर्मदा घाटी, ये आपका रहा एमपी, ये वाला रीजन, ठीक है, ये आपका एमपी, यहीं से आपकी नर्मदा घाटी है, नर्मदा नदी बहती है वहीं से। अब नर्मदा घाटी में एक जगह है हथनौरा, तो हथनौरा से मानव की खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। भाई हथनौरा जो आपका नर्मदा घाटी है, वहां पर उत्खनन का कार्य किया गया, अन्वेषण का कार्य किया गया, वहां से हमें एक मानव की खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका जो शैलाश्रय है, जो पत्थरों के बहुत बड़े बड़े एक घर टाइप में बनाए गए हैं, जहां पर लोग रहते थे, आश्रय रहते थे, शैल पत्थरों के बने हुए शैलाश्रय किसको कहते हैं, जो पत्थरों के बने हुए आश्रय घर जो होते हैं, ठीक है। भीमबेटका जो है आपका एक निवास स्थल के रूप में भी कार्य किया जाता था, बहुत अच्छी, उसी पर लोग क्या करने लगे, जैसे लोगों का एक बार में जब चीजें बदलने लगी, ठीक है, चीजें जब विकास होने लगा तो उनको भी लगने लगा कि हाँ कुछ ना कुछ करना चाहिए, उनकी कार्य संस्कृति में बदलाव आने लगे, जिससे वो लोग चित्रकारी, जैसे खाली समय में वो लोग चित्रकारी करने लगे, ठीक है, तो जहां पर रहते हैं वहीं पर वो लोग चित्रकारी करने लगे, तो पत्थरों पर, शैलों पर ही उन्होंने उकेरना चालू कर दिया, ठीक है। मद्रास में एक जगह है, मद्रास के समीप ही वादम दुराई अति अतिरम पक्कम, तो यहां से क्या है हमें खुरचनी, बिदारणी, दोहरी धार वाला, जैसे बिदारणी क्या थी, दोहरी धार वाले को जो पत्थर का बना हुआ आइटम होता था तो उसको कहते हैं, खुरचनी खुरचने के कार्य आता था, ठीक है। तो अभी इन आइटम को मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को इमेज के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में जहां तक बात करते हैं तो मिर्जापुर वाले क्षेत्र को, उस रीजन को बेलन घाटी कहा जाता था, ठीक है। तो बेलन घाटी में आपके जो चीजें प्राप्त हुई, तो यहां से पूर्व पुरापाषाण युग से नवपाषाण तक की, ध्यान रखिएगा कहां से, पूर्व पुरापाषाण काल से नवपाषाण तक के उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे फैक्ट हैं जो पीटी में ऐसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, अगर आपसे लिखवा भी लिया जाए कि बेलन घाटी के बारे में 25 शब्द लिखिए बीयू वाले एग्जाम में, या अन्य किसी एग्जाम में अगर आपसे जो प्रागैतिहासिक जो इतिहास है उसके बारे में, जो स्थलों के बारे में है, स्थलों को गिनाइए, तो आप अच्छे से चीजों को बता सकते हैं। अब देखिए पूर्व पुरापाषाण काल में के 44 पुरा स्थल हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं मिर्जापुर की बेलन घाटी से, ध्यान रखिएगा। और ये हैंड हैक्स, क्लेवर, स्क्रैपर, चापर, चापिंग उपकरण, ये सारे के सारे जो आइटम हैं, जो उपकरण हैं, पत्थर के उपकरण हैं, ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इनमें ये चीज़ें हैं, इमेजेस हैं, इनको आप देख सकते हैं किस तरीके से नुकीले हड्डी के उपकरण चीज़ें बनाई जाती थी, ठीक है। देख लीजिए अलग अलग शेप और साइज की चीजें आपका ये वाला, ठीक है, अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से बनाई जाती थी, ये भी है आपका हड्डियों के, और ये है देखिए पत्थरों वाले जो चीज मैं बता रहा था, तो ये वाला रीजन है, ठीक है ये। अब देखिए इसके बाद क्या है, अब कुछ चीजें और हैं कि महाराष्ट्र के निवासा से भी हमें पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं। उड़ीसा में, उड़ीसा से हमें क्या प्राप्त हुआ, उड़ीसा से हमें हाथ की कुल्हाड़ियां, जैसे
हाथ से चलाने वाली जो कुल्हाड़ियां हैं, तो हाथ की कुल्हाड़ियां, खुरचुनी, ये सारी की सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। अब दक्षिण भारत की संस्कृति या जिस तरीके से वहाँ का जो चीज़ें चली उनको अब बात कर लेते हैं, तो देखिए दक्षिण भारत में हैंड एक्स के सर्वप्रथम उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। इसको मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है और 1863 में हैंड एक्स प्रक्रिया के माध्यम से इन चीज़ों का जो प्राप्त किया गया, हैंड एक्स की चीज़ों को, जो पुरातात्विक चीज़ें हैं उनको, उपकरणों को प्राप्त किया गया। अतिरम्पक्कम से, जैसे एक जगह है आपका तमिलनाडु में अतिरम्पक्कम, तो वहाँ से पूर्व पाषाण कालीन के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारी जगहों पर चीज़ें बहुत अधिक मात्रा मिली है, लेकिन इम्पॉर्टेंट वही होती हैं कि जो चीज़ें, भाई स्थल तो बहुत सारे हैं लेकिन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्राथमिक परीक्षा में ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती हैं। अब देखिए कोर्तलयार एक घाटी है जो दक्षिण संस्कृति का स्थल कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं इससे संबंधित। अब अगली चीज क्या है, अगली चीज हम लोग बात करेंगे सामाजिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में, सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में, कि पूर्व पाषाण काल के लोग, जिसका काल जो है 25 लाख से 10 लाख ईसा पूर्व माना जाता है, इनकी जीवन शैली कैसी थी, तो इन चीजों को हम लोग बात करेंगे। जैसे जो लोग थे पूर्व पुरापाषाण काल के जो लोग थे, तो लोगों को कृषि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कृषि का ज्ञान नहीं था। जैसे ऐसे ही नॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं, तो व्यक्ति क्या है, जब उनके पास उनको नॉलेज ही नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो लोग आखेट करते थे, शिकार करते थे। ठीक है, खाना, जैसे एक जगह गए दूसरी जगह जाने लगे, खाद्य संग्राहक थे, भोजन को इकट्ठा करते थे, रोटियों को इकट्ठा करते थे, पशुपालन, देखिए पशुओं के बीच में रहते थे, जीव जंतुओं के बीच में रहते थे, लेकिन पशुपालन के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। पशुपालन इस पूर्व पुरापाषाण काल में साक्ष्य में नहीं प्राप्त होते हैं। वास्तुकला के हमें प्रमाण मिलते हैं, लेकिन जो मृदभाण है वो हमें नहीं प्राप्त होता। पूर्व पुरापाषाण काल की बात हो रहे हैं। अब देखिए अग्नि के बारे में, जैसे धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया, जैसे पत्थर है, दो पत्थरों को लीजिए, आज की डेट में भी अगर ये चीज करके देखेंगे, बहुत तेजी से उनको एक दूसरे से रफ कराइए, तो ऐसी स्थिति में चिंगारी टाइप में उठती है, तो उसी से उद्भव होता है अग्नि का, और मनुष्य के द्वारा अग्नि का विकास किया जाता है, ज्ञान किया जाता है, ज्ञान और अग्नि का ज्ञान हो गया होता, लेकिन अग्नि का उपयोग, जैसे हमें पता है कि आग से हम क्या क्या कर सकते हैं वर्तमान में, लेकिन अग्नि के उपयोग से हम कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं उपयोग नहीं पता था। अग्नि का ज्ञान हो गया था, देख रहे थे लोग यहाँ पत्थर को रब करने पे चिंगारी उठ रही है, अब कोई सूखे पत्ते या उनके बीच में वो चिंगारी उठाए तो वो आग लग गई। ठीक है, यहीं से चीजें धीरे धीरे विकास होता है चीजों का। पत्थर से देखिए जो इनका सामाजिक जीवन था, जो आर्थिक जीवन था, तो भाई ये घूमते रहते थे। ठीक है, खाने के लिए और आखेट करने के लिए शिकार करते थे, खाते थे। ठीक है, पहले उन्होंने सोचा कि भाई पहले तो कच्चा ही सारी चीजें खाते होंगे, लेकिन बाद में वो चाहे वेज हो या नॉन वेज हो, ठीक है, फल फ्रूट्स और सारी चीजें। अब इसके बाद में क्या हुआ कि पत्थर से निर्मित औजार जब मिलने लगे, तो उन्होंने क्या किया कि हल्का सा उसको धार दे दी, धार देने के बाद वो चाकू का उपयोग करने लगे, मतलब उसी को जो पत्थर था, पत्थर का ही अगर नुकीला कर दिया जाए, तो भाई किसी चीज को, फल को फोड़ कर खाना है या काट कर खाना है, तो उससे वो लोग ऐसा कार्य करने लगे। ठीक है, आग के उपयोग से व्यक्तियों का जीवन, उनको लगा कि ये चीजें अच्छी हैं और इनसे ये चीजें हम कर सकते हैं। भाई आग के उपयोग से अगर हम किसी चीज को कच्चा खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए नॉनवेज है, तो मांस को अगर हम कच्चा खा रहे हैं, तो उसको उन्होंने धीरे धीरे यही चीजें उनको समझ में आया कि अब उसको पकाकर भी खा सकते हैं, तब उन्होंने इन चीजों का उपयोग आगे वाले कालों में इन चीजें मिलती। अब इसके बाद में क्या होता है, जैसे जो क्वार्टजाइट बलुआ, जैसे उस समय के जो पत्थर थे पूर्व पुरापाषाण काल के, तो क्वार्टजाइट थे, बलुआ पत्थर था, लैटराइट था, चेल्सीडनी का उपयोग यह आयुध निर्माण में, मतलब जो हथियार थे, हथियारों को बनाने में इन पत्थरों का उपयोग किया करते थे। धार्मिक तत्व था, देखिए धार्मिक तत्व था, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, इसका उदय नहीं हुआ था। हल्का फुल्का तत्व उस समय था, लेकिन यह लोगों के बीच में, मतलब इनका उदय अच्छी तरीके से नहीं हुआ था। अब देखिए चित्रकारी की जहां तक बात करते हैं, जैसे खाली टाइम में व्यक्ति क्या करने लगे, चित्रकारी करने लगे, तो भीमबेटका से हमें 243 शैलाश्रय, शैलों के बनाए गए छोटे छोटे घर,
और बहुत विशाल घर भी हमें प्राप्त होते हैं। तो 243 शैलास रह हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद क्या है कि हरे एवं गहरे लाल रंगों का इसमें प्रयोग किया गया शैलास रोह में, और छोटे छोटे जो समूह थे, व्यक्ति कैसे रहता था, व्यक्ति जो है छोटे छोटे समूहों में रहता था, ठीक है, और जीवन निर्वाह एवं पशुओं और पेड़ पौधों के बीच में अपने जीवन निर्वाह को करता था, ठीक है। इसके अलावा क्या होता था कि वह पेड़ पौधों और सारी चीजों से अपनी खाद्य सामग्री और सारी चीजों को प्राप्त करता था, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीजें, मानव विकास हुआ है, इस तरीके से चीजें विकसित हुई हैं और मानव का उद्भव हुआ है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में किस तरीके से चीजें चली, कौन कौन सी चीजें रही और किस तरीके से सारी चीजें हुई, उन चीजों के बारे में हम लोगों ने बात करी है, ठीक है। अच्छे से आप लोग इन चीजों को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, और हो सके तो नोट डाउन कर लिया करिए, एक मैप ले लीजिए और उसी पर आप लोग ये चीजें लिखना स्टार्ट कर दीजिए।